प्यारे किसान वीरों, मैं हाँ रणजीत सिंह चौहान ते लैके हाजिर हाँ तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत। अज साडी गलबात दा विशा है IPM विधि दे राही झोने दे कीड़े मकौड़ियां दी रोकथाम। जिवें तुसीं जानदे हो किसान वीरों के झोने दी फसल है जिहड़ी इस वेले डेढ़ महीने दी हो चुकी है, एक सर्वपक्षी कीट प्रबंध जिहनूं असीं IPM भी अंग्रेजी दे विच कह दिंदे आ, उस विधि दे राही कीड़ियां नूं कंट्रोल करना, इस विषय ते अज आपां गलबात करांगे। मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर गुरमीत सिंह रियाड़ जी, जिहड़े ब्लॉक खेतीबाड़ी अफसर ने, खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग पंजाब दे विच फलौर विखे अपनी सेवा निभा रहे ने। डॉक्टर गुरमीत सिंह रियाड़ जी, तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच। धन्नवाद डॉक्टर साहब। सब तो पहला जे आपां गल करिए IPM, अपने विशा दा ही है कि IPM विधि राही कीड़ियां दा कंट्रोल, विस्तार नाल दसो साडे किसान वीरां नूं कि ये IPM विधि की है। IPM विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये बारे जे आप गल करिए तो IPM नूं कहांगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जां संयुक्त कीट प्रबंध, जां सर्वपक्षी कीट प्रबंध। इन्हां दी क्यों लोड़ पई? ये जिस तरह इस वेले चल रहा जिहड़ी जहरां दी आड़ी, वो बहुत वध तों वध जिहड़ी आ वरतों कीती जा रही है। वरतों लगभग जिहड़ा पंजाब टोटल इंडिया दा एरिया, उहदा 10% एरिया पंजाब जिहड़ा कीट जहरां दी वरतों कर रहा। उहदे करके आपां नूं जिहड़े सोचना चाहीदा वी इहदा हौली हौली आपां नूं घटाउणा चाहीदा है, ते इहदा IPM विधि दे नाल ही आपां इहनूं घटा सकदे हां। होर कोई विधि नहीं हैगी जिहड़ी IPM तों बिना आपां नूं घटा सकीए। सो डॉक्टर साहब, IPM विधि दे विच फिर किहड़े किहड़े तरीके आउंदे आ, किहड़े किहड़े ढंग तरीके आउंदे आ जिन्हां दे नाल आपां कीड़े मकौड़ियां दी रोकथाम शुरू तों एंड तक करनी आ, ते पहलां सिर्फ इहनां दे सानूं नाम दसो, फिर आपां विस्थार नाल इहनां बारे जानकारी लवांगे। जिहड़ी IPM आ, IPM दा जिहड़ा पहला मैथड आ वो आपां कल्चरल मैथड कहांगे जी, दूसरा मैथड आ जिहड़ा बायोलॉजिकल मैथड कहांगे जी, तीसरा जिहड़ा कैमिकल मैथड कहांगे, ते एक जां आपां मैकेनिकल मैथड कहांगे जी। ठीक है, ये सारे मैथड वरत के जे आपां सारे ये मैथड वरतदे आ, कल्चरल मैथड भी वरतदे आ, बायोलॉजिकल मैथड भी वरतदे आ, मैकेनिकल मैथड भी वरतदे आ, कैमिकल मैथड भी वरतदे आ, ये सारे मैथड वरत के जे किसान की जेब के उत्ते भार वध नहीं पैंदा, अपने एनवायरमेंट के उत्ते कोई नुकसान नहीं होंदा, बहुत घट नुकसान होवे, जिहड़ा मनुखी जीव आ उहनां दे उत्ते भी बहुत घट प्रभाव पवे, उस चीज़ नूं आपां IPM कहवां। सो डॉक्टर साहब, आपां एक एक तरीका किसान वीरां नूं दसीए फिर, भावें झोने की फसल जां फसल की बिजाई हो चुकी है, पर आपां थोड़ा जिहा किसान वीरां नूं दसीए जरूर, क्योंकि आने वाले समय के होर भी फसलां बीजणियां ने, क्योंकि उहनां ते भी IPM वरती जाती है कि वाह वहाई राही जां कल्चरल मैथड जिहड़ा तुसीं दस्सिया सी कि वह की है, तो उहदे विच कीड़ियां दा कंट्रोल किवें हुंदा है? कल्चरल मैथड आ उहदे च सब तो पहलों जदों अपने खेत खाली हो जाता, जिहड़ी पहली फसल बीजी है उदों खेत खाली हो गया, खेत खाली होण तों बाद जिहड़े अपने उत्थे जिन्नियां वट्टां वा, जिन्ने अपने खाल आ लागे लागे, जां कोई कस्सियां वा, जां कोई सूइयां दे कोई हैगे आ जिथे नदीन नाशक बहुत ज़्यादा आ, उन्हां नूं आपां नदीनां नूं कंट्रोल करना, उन्हां नूं नदीन कंट्रोल करांगे ते उहदे नाल जिहड़ा कीड़ियां दा असर घट होगा। ठीक है, इत्थों तक कि जे आपां उह सारे आपां नदीन कंट्रोल कर लैंदे आ जां उहनां नूं खतम कर दिंदे आ, ते उहदे तों बाद जिहड़ा जिहड़ा इनसैक्ट दा अटैक दूसरे उधर जा के उह समां कट्टिया जाऊगा, उहदे नाल तुहाडा एक जिहड़ा हुंदा वा उहदा लाइफ सर्कल च कीड़ियां दा उह खतम हो जाऊगा। वो तो खत्म होने के नाल जी अगली जी जनरेशन उन्होंने पैदा करने वास्ते उन्होंने कोई समा लगेगा, वो समा लगन कारण वो तुहानू ज़्यादा बेनीफिट होगा, जो ये भी एक IPM ही है। क्योंकि जिहड़े कीड़े मकौड़े जदों खेत दे विच फसल नहीं होंदी ना, तो इन्हां नदीनां दे उत्ते ही पलदे आ किसान वीरो, सारा अपना जीवन चक्कर नदीनां दे उत्ते पूरा कर लैंदे आ, जदों फिर वधिया खेत दे विच फसल आउंदी है तो उस वेले फिर वह फसल दे उत्ते नूं चले जाते हैं, तो उस वेले फसल के उत्ते जा के फिर नुकसान करते हैं। सो आप इन्हों नदीना आला दुआला खेत का साफ रखना। डॉक्टर साहब, ये ही होर की है ढंग तरीका? कल्चरल एक होर मैं थोड़ा जहा छड गया कि जो आप पैलियाँ खत्म मतलब खत्म हुई उधरों फसल खत्म किया
तो दूसरे अपनी अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। पहली गल तो आप जी फसल की जी ना वहाई चंगी तरह करनी है, डूंगी हवाई या पलटवें हल ना वहाई करनी है, जा के जोड़े जिन्हें भी कीड़े मकौड़े थले उपर आ जाए, उपर आना धुप ना जा होर जिन्ना जिनी गर्मी रहेगी वो नाल नदीन खत्म हो गए, तो वो खत्म होने के नाल भी जो अपनी जी नदी मतलब आने वाली जी फसल के उत्ते वधिया झाड़ आप लवेंगे, कीड़े दे खत्म हो गए नाल नदीन खत्म भी हो गए। उल्टावें हल नाल वाही ये भी इस ढंग तरीके आ क्यों करनी है किसान वीरों, क्योंकि असी देखते हैं जदों खेत दे विच एक जिवें मान लो मालवे की पट्टी दे विच नरमा कवा खड़ा हुंदा आ तो उहदे उत्ते बहुत सारे कीड़े मकौड़े पलदे आ ते उहदे जिहड़े प्यूपे आ सुंडियां दे उह जमीन दे विच रहि जांदे आ, इस तरह ही बाकी फसलां दे विच जदों फसल दे उत्ते कीड़ा हुंदा सुंडी आ जिहड़ी खा खा के मोटी हो के उहदा प्यूपा बणदा उह जमीन दे विच चला जांदा, सो जमीन दे विच उह पिया रहिंदा जदों अगली फसल आउंदी आ तो फिर उहदे विचों सुंडी निकल के फसल के उत्ते आ जाती है, इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि डूंगा हल वाहुणा बहुत जरूरी है ताकि जिहड़े थले प्यूपे पे आ सुंडियां दे बाहर आ जाण ते जानवरों नूं चुग लैण, आटोमैटिकली सुंडियां दा कंट्रोल हो जाता। डॉक्टर साहब इस ढंग तरीके दे विच होर भी कोई गलबात हैगी है? होर दूसरा इस तों अगे आपां चलीए जी ते बीज बारे आपां गल करांगे, बीज आपां ओह वरतना जिहड़ा जिस तरह कोई भी बीमारी हो उस तों टॉलरेंस होवे, उहदे ओह बीज वरतांगे ते उहदे नाल आपां जिहड़ा यह भी एक IPM की तकनीक आ जिहड़ी ठीक है, तो उहदे नाल जदों नवां आपां बीज लैके वरतांगे उहदे नाल भी अपना जिहड़ा झाड़ आ वधूगा ते अपने खर्चे जिहड़े आ ओह घटणगे। जितों असीं पैदावार लैणी आ जे उही वधिया नहीं होऊगा जां उही रोग रहित जां कीड़े मकौड़ियां दे रहित नहीं होऊगा तां फिर झाड़ असीं कित्थों लवांगे, सो बीज लैणा सानूं वधिया जरूरी है। अजकल बहुत सारिया फसलों के BT बीज आन लग गया जिन्हों के आलरेडी एक यहोजा अंश पाया हो जिद सुंडियाँ उन्होंने खादी ही नहीं है, सो आप कोशिश करिए कि आप बीज वधिया लीए महकमे राय करके आप जो खेत के बीज बीजना सोध्या हो बीज खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो खेतीबाड़ी विभाग की राय न इन अदारों तो ही लैके बीजिए। डॉक्टर साहब अगला जोड़ा मैथड सगा वो सगा कल्चरल मैथड साडा हो गया, इस तो बाद अगला मैकेनिकल मैथड है, मैनू लगता तुसी यही दस्या सी जी की कहना चाहोगे? सब तो पहला तो उहदी खेत की वहाई है ठीक है, खेत की वहाई जिहड़ी आ आपां बिल्कुल जदों जमीना वेलियां होगियां उस तो बाद कोई भी चीज़ बीजन तो पहला उहनू चंगी तरह वाहुणा वा तां कि जिहड़े उहदे च नदीन हुई आ उह भी जिहड़े आ उह खत्म हो जाण, जे कोई खत्म नहीं जदों उस तो पहलों पानी लाउने आ फिर आपां उहनू वाहुणे आ वाहुण तो बाद जी आप वाही करते हैं तो वो एक कल्चर मैथड मकैनिकल मैथड के ही आ जाता है। देखो किसान वीरों ढंग तरीके कोई भी अपना लिए असी कह भावे असी सुंडी दे अंश नूं खत्म करना चाहे वह कितने भी लग्या होया चाहे जमीन दे विच पिया किसी भी ढंग तरीके खत्म करिए असी IPM विधि कहने कि असी जहर वाल नहीं पहला जाना, जहर तो बाद एंड देखांगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब इस तो बाद असी साढ़े असी झोने के खेत के बैठे हाँ पिछे साढ़े ना वो लगे हुए कड़िकियां जी लगिया ने की आ थोड़ा ये बारे दस्यो की है? एक एक जो इनसैक्ट आ जे कि जिन्हें भी कीड़े आ जे झोने के ला लो ज होर फसलों के जिन्हों ला लो ये ट्रैप करने वास्ते ये लाए होंगे, ये ट्रैप करने के 3 तरीके ने, एक तो ये ट्रैप ला के जे ला के, एक लाइट ट्रैप ला के, एक जे स्वीप नैट के नाल जो आप फटते हैं वो कर रहे ये जे नाए आप पेस्ट की पापूलेशन चेक वेखते हैं कि अपने खेत के किन्नी पापूलेशन जी हैगी मित्र कीड़िया की है या दुश्मन कीड़िया की है, ये आ जाते कीड़े तो वो आप फिर वो गिनती करते हैं भी किन्ने मित्र कीड़े आ जा दुश्मन कीड़े कीड़े किन्ने आ, तो एक लाइट ट्रैप भी है वो आप लाइट ट्रैप ला के भी आप जो इनसैक्ट ट्रैप कर सकते हैं, वो इस तरह का हैगा एक उहदे ते लाइट लगी हुंदी है थले खुला कोई भांडा लगा हुंदा रख्या हुंदा उहदे च पानी रख्या हुंदा ते पानी दे विच नाल कैरोसीन ऑयल हुंदा उह शाम नूं आपां 2 घंटे चलाउणा जदों किसी आपां मोटर दे लागे ला लो जां किते होर ला लो ते जे 2 घंटे चलावांगे उहदे नाल लाइट दे उत्ते आउणगे जिहड़े वी इनसैक्ट होणगे ते उह आ के ते उहदे नाल टच करके ते थले डिगणगे उहदे नाल उन्हां दी जिहड़ी आ खत्म हो जांदे आ, उहदे नाल भी आपां उहदी इक ट्रैप कर सकदे आ। तो एक जिहड़ा स्वीप नैट आ
जिहड़े आपां नैट बनाया हुंदा उहदे नाल वी आपां इकट्ठे कर सकते हैं जिन्ने भी कीड़े मकौड़े है। देखो किसान वीरो बहुत अच्छी गल डॉक्टर साहब ने सानू दसी है, इन्हां नूं असीं लाइट ट्रैप कहिंदा, आपां बल्ब ला के खेत दे विच उहदे थले पानी दा पांडा रख दईए, जिन्ने भी आपां देखदे हां अपने घरां दे विच वी भमक्कड़ जिवें आ जांदे ना बल्ब दे आले दुआले, उसे तरह दुश्मन कीड़ियां दे जिहड़े उड़दे फिरदे पतंगे है जिहड़े अंडे दिंदे आ फसल दे उत्ते, उहदे विचों बाद च सुंडी निकलदी आ नुकसान करदे आ, वह लाइट के उत्ते आ जाते रात को, जो थले असी भांडा रखते हैं पानी पा दें तो वो पानी के डिग के आप ही मर जाते, कुदरती कंट्रोल हो गया ना ये, तो क्यों आप जहर वालू जाइए। भावें डॉक्टर साहब ये असंभव है कि आप लाइट ट्रैप हर खेत के ला दीए क्योंकि हर थान लाइट नहीं होंगी, पर किसान वीरों अजक माहर ने लाइट ट्रैप योजे बनाते जी धुप न चार्ज हो जाती है, वो बैटरी तो रात को अपने आप ही ऑन हो जाती है, पर जे असी कोशिश करिए ना वह भी लै सकते हैं, असी वो लैके खेत दे विच ला सकते हैं ताकि साढ़े कीड़े कंट्रोल होंदे रहन। फिर पिछे असी देखिया कीड़ियां नूं फड़न दे लई कड़िक्की भी लगी हुई है जिहदे विच इह इक स्मैल जी दा कैप्सूल पाउंदे आ, तो जिहड़ा कैप्सूल आ वह अपने आप ही कीड़ियां नूं खिच्ची जांदा आ, तो उहदे नाल सानूं पता लग जांदा खेत दे विच किहड़ा कीड़ा आउण वाला आ जां कीड़े दी संभावना वध हो सकती है। डॉक्टर साहब तुहाडे तों इह पुछणा चाहूँगा कि हुण झोने दे विच सुंडियां आउण दा समां आ गया, पत्ता लपेट सुंडी आउण वाली है, थोड़ा जिहा सानूं इह दसो कि कीड़े किन्नी तरह दे इस फसल दे उत्ते नुकसान करदे आ, की इहदे विच मित्र कीड़े भी हुंदे आ जां दुश्मन कीड़े सारे हुंदे आ? इहदे च चौहान साहब इहदे च मित्र कीड़े भी हुंदे आ ते दुश्मन कीड़े भी हुंदे आ। अपनी त्रासदी इह रही आ वी पिछले सालां दे विच असीं कैमिकल बहुत वरत्या, वरतन दे नाल जिहड़े मित्र कीड़ियां दी संख्या जिहड़ी बहुत घट गई। जे मित्र कीड़िया की संख्या वो उन्होंने थोड़ी उपर हों उन्हों के बराबर होंगी तो आपको कभी भी स्परे कर लड़ नहीं पैनी। ये जे आप वेखिए मित्र कीड़िया की गल करिए, मित्र कीड़े झोने के बहुत ज्यादा आ, जे आप सारे बारे पढ़ीए ना जो पढ़ के वेखीए सोचिए इन बारे तो आपको एवं लगता वा भी वाकई जे इन्ने मित्र कीड़े तो दुश्मन कीड़िया की इतने हो ही नहीं सकते। ये मित्र कीड़े कहड़े कि एक तो पहली हैगी है मकड़ियाँ जिहड़ियां कुछ तो जाला बनाउंदियां वा, कुछ इनसैक्ट नूं उस तरह भी खांदियां, गोलकार जाला बना लैंदियां, जाला बनाउण दे नाल उहदे विच जिहड़े कीड़े आ उहदे फसदे, बिलकुल बिलकुल जी। ते उस तों बाद इक हैगी आ लाल पिट्ठ वाली भुंडी, आम जदों लाल पिट्ठ वाली भुंडी वेखी है ना ज़्यादातर लोग तो स्वाह दा छट्टा देना शुरू कर दिंदे भी इह सानूं खावे ना, परंतु इह जिहड़ी आ लाल पिट्ठ वाली भुंडी इह साडी मित्र कीड़ा वा ना कि साडा दुश्मन कीड़ा वा, इहनूं आपां नूं मतलब उन्होंने आपां नूं खत्म नहीं करना चाहिए, उन्होंने आपां नूं मित्र कीड़े दे तौर पर उन्होंने सामना चाहिए। उस तो बाद है जमीन ते रेंगण वाले जिहड़े कीड़े आ वह भी मित्र कीड़े अपने बहुत सारे, जमीन ते जिहड़े रेंगण वाले कीड़े आ वह जिन्नी पत्ता लपेट सुंडी जदों आपां मतलब अपने खेत दे विच आ गई आ उहदे विचों जदों ये थले डिग पैंदी है कदे ते उहदे जमीन ते रेंगण वाले कीड़े ही इहनूं खांदे आ। एक होर हैगा ड्रैगन फ्लाई भी हैगी आ जिहनूं आपां छोटे हुंदे उह भूंड कहिंदे हुंदे आ, जहाज या जहाज कहें, वह भी साडा जिहड़ा मित्र कीड़ा वा वह भी रस चूसण वाले कीड़े आ उन्होंने खाता तो अपना वह गुजारा करता तो अपने रस चूसण वाले कीड़े की गिनती घटा। सो देखिया किसान वीरों डॉक्टर साहब ने वो कीड़े सानू दस्या जिहड़े आम साडे खेतों के सानू देखण दे विच मिलते हैं, लाल भुंडी कछू वर्गी भुंडी कणक दे उत्ते बहुत ज़्यादा आउंदी आ, झोने ते भी आउंदी आ, मित्र कीड़ा साडा नहीं मारना उन्हों। सो इहदे नाल नाल जिवें आ जहाजे बहुत ज़्यादा उड्डे फिरदे आ झोने दे उत्ते ड्रैगन फ्लाई उहनूं कहिंदे आ अपनी भाषा दे विच, उह भी साडा मित्र कीड़ा ही आ। मकड़ी आ देखो जाला किन्ना पा लैंदी आ, उह च असीं देखिआ किन्ने किन्ने वड्डे कीड़े उह च फस जांदे, उह जाला इन्ना कु हार्ड आ कि उह उहनूं मुड़ के उत्थे मार ही दिंदा फिर साडे दुश्मन कीड़े नूं। सो दुश्मन कीड़ियां ते मित्र कीड़ियां दी तादाद नूं देख के असीं अगे फिर तुरना आ। जे असीं कहिंदे सुणिया डॉक्टर साहब कि एक खेत दे विच जे दो मित्र कीड़े आ ते एक दुश्मन कीड़ा ते फिर आपां कुछ नहीं करना, साडा अपने आप ही कंट्रोल होई जाए है ना, बिल्कुल सही गल। सो साडे किसान वीरां नूं ये दस दिओ कि हुण झोने दे विच जिहड़े दुश्मन कीड़े साडे नुकसान करदे आ साडे खेत दे विच फसल दा वो कीड़े कीड़े ने? सब तो पहलां तो इस वेले जिहड़ा मौसम चल रहा सब तो ज़्यादा तो हैगा पत्ता लपेट सुंडी दा, पत्ता लपेट सुंडी जिस तरह का मौसम चल रहा मतलब वो आने के चांस बहुत ज़्यादा वा, जे मतलब पत्ता लपेट सुंडी आ जाती जी तो वह फिर आप स्परे वाले बन्ने चल पेंगे, परंतु जिदा का मौसम चलन दिया रोज़ दूसरे तीसरे दिन कितना कितने बारिश हो जाती है
जे कितने पत्ता लपेट सुंडी पई भी हो ते 10 मिनट बारिश पैण दे नाल जी थले डिग पैंदी है। एक बार पत्ता लपेट सुंडी थले डिग पी वो दोबारा उपर नहीं आ सकती, ठीक है जी। तो वो कुछ जिहड़े अपने मित्र कीड़े आ वह भी ही उन्होंने खा जाते हैं। जां जे स्प्रे तुसीं सोचदे भी हुण माड़ा मोटी कितने पत्ता लपेट सुंडी आ गई है तो आप मुंज वाली रस्सी लैनी है, एक बंदे ने उधरों फड़ लैनी है, एक ने उधरों फड़ लैनी है, दोनों वटां ते तुरे जाओ, दोवें वटां ते तुरे जाओ। जिहड़े पैरी गए जे उसे पैरी वापस आ जाओ ते तुहानू पत्ता लपेट सुंडी दी स्प्रे करनी लोड़ पऊगी। वाह, तां बहुत ही वधिया तरीका तुसीं दस्सता सानूं पत्ता लपेट सुंडी दा। बाण वाली रस्सी, मुंज वाली रस्सी सानूं डॉक्टर साहब कहिंदे आ वी जे दो वटां ते खड़ के दो जणे फड़ के रस्सी नूं ना मतलब फसल थोड़ी हिल जावे तो जदों फसल हिल गई पत्ते हिल गए उहदे विचों अपने आप गोभ दी सुंडी जिहड़ी उह थल्ले डिग जाणी आ। सो ये तो बहुत ही वधिया, आपां कीड़े मार दवाई वल नूं पहलां नहीं जाणा, आपां कोशिश करनी आ कि इहो जिहे ढंग तरीके आपां पहलां अपनाईए। डॉक्टर साहब अगली सुंडी कि अगली सुंडी जी साड़ी जी है गोभ वाली सुंडी है जी, जिन्हों स्टैम बोरर कह देंगे तो ये स्टैम बोरर भी जरा काफ़ी नुकसान कर जाती कई बार जे मित्र कीड़िया की गिनती घट हो दूसरे ज्यादा होता काम करने का तरीका यह है कि इन्हें स्टैम जितों पानी के थल तो थोड़ा जहा उपर इन्हें अपना विचों की मोरी करके अंदर जाना, अंदर जाके इन्हें गोभ न कट्टना है। गोभ जे तुम कट्टी कट्टी गई तो उदा रंग बदल जाता जा सुक जाती कई कई हालातों के उपरों गोभ में पुट के वेखना, जे तो पुटी गई तो थले थोड़ा जहा कट का निशान होया यह मतलब भी गोभ वाली सुंडी का हैगा हमला हैगा। जे वो हमला हैगा तो उन्होंने फिर तुम ओरी गो उन्होंने खोल के ही वेख लेना कि वो पत्ता लपे गोभ वाली सुंडी हैगी या नहीं हैगी। कई कंडीशन ये हो जाता जे जरा तना हों दो मोरिया होना तो एक बार मोरी करके उन्होंने खा के तो विचों बहर भी निकल जाती है, ये भी यह जी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है जी। उन्होंने उदों फिर तुम वेखना भी जे तो अपने मित्र कीड़िया की गिनती ज़्यादा वा तो फिर कई बार सानू गोभ वाली सुंडी तो स्प्रे करने की लोड़ भी नहीं है। पर जे जिहड़ा ETL लैवल दे उत्तों 5% दो तो वध वा फिर आपां नूं स्प्रे करनी पऊगी, नहीं तो आपां नूं IPM वाले बन्ने ही जाना पऊगा। डॉक्टर साहब तुहानूं थोड़ा जिहा रोक के ना पुछना चाहूँगा, तुसीं क्या आ भी ETL लैवल जाने के किसान वीरों नुकसान करन दी हद, मैनू इदा लगता भी आपां नूं खेत का सर्वे करना पहला बहुत जरूरी है। किसी भी डिसीजन लैण तो पहला कोई भी डिसीजन लैण तो पहला भी आप छिड़का कर लिए हुण जां आ कर लिए उस तो पहला खेत दे विच जाके फसल का मुआयना जरूर करो। किसान वीरों तुहानूं कीड़ा कीड़ा खेत दे विच नज़र आउंदा आ, किन्नी मात्रा दे विच नज़र आउंदा, मित्र कीड़े किन्ने आ खेत दे विच, दुश्मन कीड़े किन्ने आ, उहदे हिसाब नाल जे असीं अगे कंट्रोल वल नूं तुरीए तां मैनूं लगदा वी साडा बहुत सारा पैसा बच सकदा। कंट्रोल आ जिहड़े उह वी कुदरती हो सकदे आ। डॉक्टर साहब जिहड़ा आपां सर्वे करना खेत दे विच, मैं आपां गल कीती ना सर्वे करिए पहलां वी किहड़ा कीड़ा आ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕੀੜੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੁੱਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਖੇਤ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੀੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੰਜੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੁੰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, 10-15 ਬੂਟੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਖੇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਨਮੀ ਕਰਕੇ ਕੀੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਸਲ ਨਰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਆ? ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟੱਡਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਥੱਲਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 5 ਜਾਂ 7 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੱਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟੱਡੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟੱਡੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ
फिर वह नरोयां बूटिया के उत्ते चल जाता तो उत्थे जाके वह अपना रैन बसेरा कर लेंदा उत्थों अपना रस चूसना शुरू कर दिता हौली हौली वह वधना शुरू कर दिता जे आप पहलों जाके वेखांगे भी मतलब आप जो उन्होंने झाड़िया झाड़िया तो थले पानी डिगे आ बूटे वे जे टे कोई डिगे आ फिर आपां नूं जे उहदे नाल कंट्रोल आई पी एम दे नाल कंट्रोल नहीं है उहदे नूं वध वा फिर आपां नूं चिट्ठी पिट वाले टिड्डे की स्प्रे करन दी लोड़ आ अदरवाइज़ आपां नूं स्प्रे करन दी लोड़ नहीं तो ये भी एक मैं तुहानूं गल दसा जिथे जे मतलब अपने धोरियां दे विच इहदा हमला हुंदा तो आपां उह धोरियां दे उत्ते ही स्प्रे करनी है ना कि आपां सारे खेत दे विच करन का बल असीं अजे जाणा ही नहीं डॉक्टर साहब पहलां आपां देखिए किन्ना क नुकसान आ किन्ने कीड़े ने पहलां आपां उहदा सर्वे कर लईए किसान वीरों जदों आपां बूटा टेढ़ा करके उहदे पिछे हथ मारदे आ सानूं तरदे हुए जिहड़े चिट्टी पिट वाले टिड्डे जां नूं चिट्टा तेला कह लैंदे आपां ਉਹ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਦਸਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਪੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉਨਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੀੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ डॉक्टर साहब अखीरला तरीका जिहड़ा जहर वाला वैसे तो आई पी एम विधि जहर वाले कीड़े ढंग तरीके छड्ड ही दिंदी है बिल्कुल बिल्कुल पर जे सानू किसी हालत दे विच भी दवाई करनी पै जावे तो की कहना चाहोगे इस संबंधी फिर जे सारियां विधियां अपनियां उहदियां आपां वरतदे आं आई पी एम वालियां जे फिर भी अपने इकोनॉमिक थ्रैशहोल्ड जिहड़ी अपने नुकसान करन दी तगार तों वधदा फिर आपां स्प्रे वाले बन्ने सोचना क्योंकि आई पी एम यह भी नहीं कहिंदी वी बिल्कुल तुसीं स्प्रे ही ना करो ठीक है आई पी एम वो कहें भी जे तुम सारिया चीज विधियां वरतते जे फिर वो जरा आई टी एल लैवल तो वध जाता फिर तुम स्प्रे डॉक्टर साहब असं ये भी कहें सुनिया कि निम का घोल बना के स्प्रे कर लो बनया बना भी मिलता वो बायोलॉजिकल कंट्रोल ही आओ बिल्कुल कीड़े मैं जहर वालू असी बहुत घट जाना सो बहुत अच्छी जानकारी सानू किसान वीरों डॉक्टर साहब ने दी है मैं उम्मीद करना कि आने वाले समय के झोने की फसल के कीड़े मकौड़ों की रोकथाम के लिए जहरों छड़ के आप ढंग तरीके जरूर अपनावे जिड़े सानू डॉक्टर साहब ने दसिया तो अपना खर्चा बचावे वातावरण गंधला होने तो बचावे डॉक्टर गुरमीत सिंह जी बहुत अच्छी जानकारी दी है तो इन्नी जानकारी देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब।